रांची झारखंड की रहने वाली नेहा शर्मा एक गृहिणी होने के साथ साथ एक लीडर की भूमिका भी निभा रही हैं। नेहा शर्मा ने वीरांगना महिला संगठनों के द्वारा न सिर्फ महिलाओं को सशक्त बल्कि उन्हें उनके साथ हो रहे उत्पीड़न के खिलाफ खड़े होने में भी अहम भूमिका निभाई है और आगे भी ऐसी महिलाओं को सामने लाने की कोशिश कर रही हैं जो दूसरों को प्रोत्साहन दे। नेहा शर्मा लगातार समाज सेवा के क्षेत्र में कार्य करती आ रही हैं और आगे भी वे भविष्य में समाज सेवा के साथ जुड़कर समाज के लिए कुछ बेहतर करना चाहती हैं। हेलो नमस्कार, मैं हूं प्रभा शर्मा और आप देख रहे हैं जेके न्यूज़ नेटवर्क में हमारा ये स्पेशल सेगमेंट खास बातचीत, जहां हमें मौका मिलता है ऐसे लोगों से रूबरू होने का, उनके बारे में जानने का, उनसे कुछ सीखने का और उनकी बातें आप तक पहुंचाने का। तो इस कड़ी में हमारे साथ आज जुड़ी हैं नेहा शर्मा जी, जो कि वीरांगना वाहिनी, जो एक महिला संघ कह सकते हैं, उनकी अध्यक्ष हैं। तो चलिए सबसे पहले नेहा जी, आपका हमारे इस खास बातचीत में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। और जेके नेटवर्क को तो मैं काफ़ी दिन से फॉलो भी कर रही हूँ, काफ़ी अच्छा आपका ये काम कर रहा है। और यहाँ सबसे खास बात ये रही है कि यहाँ महिलाओं को एक अच्छी मतलब प्रोत्साहित करने की जो पद्धति है वो मुझे बहुत पसंद आई, धन्यवाद उसके लिए। तो जैसे आपने भी पहले वीडियोस देखा होगा, तो हमारी एक कड़ी चली आ रही है वैसी महिलाओं, चाहे वो फैशन फील्ड से रही हो या फिर वो गृहिणी रही हो जो एक्सप्लोर कर रही हैं, बाहर जाके सोशल सर्विस कर रही हैं, अपने जो स्किल हैं उनको सामने ला रही हैं। तो जैसे हमने पहले व्यूअर्स को बताया कि जो वीरांगना वाहिनी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो महिलाओं के लिए खास करके काम करता है और आप उसके अध्यक्ष हैं, तो सबसे पहले मेरा सवाल यही रहेगा कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये काम कैसे करती है और क्या इनके ऑब्जेक्टिव्स मेन रहते हैं? ये हिंदू जागरण मंच की महिला शाखा है जिसका नाम है वीरांगना वाहिनी। ये सिर्फ महिलाओं के लिए काम करती है और इसमें वो महिलाएं हैं जो सशक्त हैं, सुदृढ़ हैं और जो वीरांगनाओं को उभारने का काम करती हैं। क्योंकि ये कह सकते हैं हम आपके साथ आज इस मंच के माध्यम से या इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि वीरांगना हर महिला है और अभी हम और आप जो हैं वो ऐसी महिलाओं को आगे लाने का काम करते हैं अपने इस वीरांगना वाहिनी की शाखा के द्वारा, जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में प्रताड़ित हैं या अपने आप को आगे नहीं ला पा रही हैं, झिझक हो, समाज का डर हो या फिर उनकी वो अंदर की आत्मा जागृत नहीं हो, बस इसी की को जागृत करने का काम है। बाकी नारी तो सर्वदा वीरांगना रही हैं। जी, अभी आपने अलग अलग फेजेस का बात करा कि चाहे वो डर हो सामने ना आने का या फिर कहीं ना कहीं शिक्षा जो लैक कर जाती है या फिर जो एक बोल सकते हैं एज अ वुमेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो घर की आती है जो उन्हें पीछे कर देती हैं अपने आप को और वो सामने अपनी फैमिली को रख देती हैं, तो जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन अगर पर्टिकुलरली उन फेजेस की बात करें, चाहे वो शिक्षा को लेकर हो या फिर वो हाउसवाइफ्स को लेकर हो या वैसे लोग जो शायद किसी फील्ड में आगे जाना चाहते हैं या प्रताड़ना की जो आपने बात करी, तो ऐसे कुछ फील्ड्स जो अलग अलग हैं उसमें आप क्या काम कर रहे हो? देखिए, इस फील्ड में सबसे ज़्यादा जो काम मुझे लग रहा है करने की ज़रूरत है वो है रेप केसेस पे। अभी बहुत ज़्यादा ये चल पड़ा है और इसे एक विराम नहीं, पूर्ण विराम की ज़रूरत है। हम महिलाएं किसी के ऊपर आश्रित नहीं हो सकते, अपनी रक्षा और सुरक्षा के लिए तो बिल्कुल नहीं हो सकते। हमें अंदर से अपने आप को इतना मजबूत करना है और अपने समाज को इस तरह से आईना दिखाना है कि हर वो नज़र जो हमें देख रही है उस नज़र को, उस पहलू को परिवार का उस दर्पण बनाना है जहाँ वो मुझे सिर्फ एक औरत के नज़रिए से ना देखें, वो मुझमें एक दोस्त, एक बहन, एक माँ और एक बहुत ही समझदार व्यक्तित्व को देखें। तो नज़र उठता है तो नज़र झुकाने का जज्बा होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए उसका। और जैसा आपने बोला कि अभी इन्वायरमेंट भी वैसा ही बना हो, चाहे वो हाथरस गैंगरेप मामला हो या कोई और भी, तो रांची में और झारखंड में अगर बात करें तो यहाँ भी रेप केसेस उतना उभर के नहीं आए, लेकिन वो आंकड़ों तक रह गया कि इतने रेप केसेस हो रहे हैं, वायोलेशन हो रहा है, चाहे वो डोमेस्टिक वायोलेशन ही क्यों ना हो, तो उसके लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं अभी? सबसे पहले तो ये झिझक हटानी होगी रेप केस, तो के लिए आप क्या बात कर रही हैं उनसे, लोगों से क्या कर रही हैं? देखिए, हम सबसे पहले तो वहाँ जाते हैं जो इस प्रताड़ना में है और सबसे ज़्यादा जो फेस करना पड़ रहा है ना, मैं आपको ये बताना चाहूँगी यहाँ पर कि फैमिली का प्रेशर हो जा रहा है उनके ऊपर कि नहीं, ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए, संस्था के लोगों से आप नहीं बात करेंगी, आप महिलाओं के थ्रू ही क्यों ना हो लेकिन आप इस बात को बाहर नहीं आने देंगी। तो सबसे पहले हम लोग को वहाँ पहुँचने ही नहीं दिया जा रहा है, वहाँ एक ब्रेक हो जा रहा है उस समाज की वजह से
कि उसको गलत नहीं ठहरा के इसे दबाया जा रहा है, उस मानसिकता को दबाया जा रहा है जो कहीं ना कहीं गलत है। आज एक के साथ हो रहा है, कल इसी दबाव की वजह से वो 10 के साथ होगा और हो ही रहा है। लेकिन क्या ऐसा भी कोई एग्जाम्पल्स आपके सामने आया जो सपोर्ट में आया हो, या फिर वैसी लड़कियां हो या महिलाएं हो जो खड़ी हुई हो इस चीज़ को? क्योंकि मैं पर्टिकुलरली यहाँ की बात करना चाह रही हूँ, क्योंकि आप रांची में काम कर रही हैं उस महिला विंग के लिए, तो यहाँ पर उन महिलाओं का क्या रिस्पांस रहा है, क्योंकि आपने पर्सनल एक्सपीरियंस करा है उनका, तो क्या वैसी कुछ महिलाएँ हैं जो सामने भी आई हैं और खड़ी हुई हैं खुल करके? जी देखिए, नाम तो लेना क्योंकि एक नेटवर्क चैनल है तो यहाँ सही नहीं होगा, लेकिन ध्रुवा एरिया में भी कुछ महिलाएँ हैं, कुछ सेक्टर में महिलाएँ हैं जो इसमें बहुत ठोस कदम उठा रही हैं। ठोस कदम मतलब एक बैकअप सपोर्ट बनकर काम कर रही हैं, और उन महिलाओं को अभी हम लोग जागरूक भी कर रहे हैं और सामने भी ला रहे हैं, क्योंकि ये ज़रूरी है, समाज का वो आईना दिखाना ज़रूरी है जो कहीं ना कहीं इसको बिल्कुल निचोड़ कर रख दिया है, इस मानसिकता को निचोड़ कर रख दिया है कि महिलाओं को शोषण तक ही सीमित है और इन्हें समाज में वो दर्जा, वो मतलब क्या उसको बोल सकती हैं आप, ये कह सकती है कि समाज में वो स्थान नहीं मिल पाता है। और कहीं ना कहीं एक होता है ना कि जब नारी है तो एक मानसिकता लेकर पैदा होती है कि हमें सबको लेकर चलना है, और सबको लेकर चलने में कभी आप अपना जगह बना नहीं पाते हैं, तो ये मानसिकता को तोड़ रहे हैं और काफ़ी लोग हैं जो इसमें मेरे साथ दे रही हैं, मतलब कि लोग अब आप जुड़ रहे हैं इस चीज़ से, जुड़ते जा रहे हैं, कारवा बनता जा रहा है और ये कारवा जल्द ही एक बड़ा रूप लेगा, इसका आश्वासन मैं आपको इस चैनल के माध्यम से भी देती हूँ, और जल्द ही यहाँ से एक लाइव टेलीकास्ट हम लोग करेंगे उन महिलाओं को बैठा कर। जी ज़रूर। तो जैसा आप बोले कि आप कोशिश कर रहे हैं, कारवा जुड़ रहा है, मतलब बन रहा है, लोग जुड़ रहे हैं आपसे, तो रिज़ल्ट मतलब अच्छा देखने को मिल रहा है कि जैसे हो सकता है कुछ एग्जांपल्स में आप नाम न लें फिर भी कि प्रताड़ित हो रही हों, लेकिन इससे उनको फ़ायदा हुआ? क्योंकि मैं एज अ व्यूअर आपसे पूछना चाहूँगी कि अगर कोई जुड़ रहा है, क्योंकि आपने कहा कि बहुत लोग नहीं जुड़ते हैं इस डर से कि बात बाहर नहीं जानी चाहिए, या तो क्योंकि फेस आप प्रॉब्लम खुद पर्सनली उस चीज़ को कर रहे हो, तो सुधार हो रहा है अगर जुड़ रहे हैं लोग आपसे उनकी लाइफ में पर्सनली, क्योंकि उनके रिव्यूज़ आपको भी मिलते होंगे कि हाँ ये चीज़ें बदलाव अब हो रही हैं, तो वो बदलाव क्या हो रहा है, क्या महसूस करती हैं वो बदलाव? जी बदलाव हो रहा है, और इसका सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण आपका ये नेटवर्क है, इतनी महिलाएं आपके नेटवर्क से आज जुड़ रही हैं, आज मैं भी जुड़ी हूँ इस माध्यम से, और सब कहीं ना कहीं सशक्त हैं। सशक्त इस वजह से हैं क्योंकि एक मोरल सपोर्ट है, मोरल सपोर्ट कह सकते हैं उनके फैमिली का है या उनके फ्रेंड सर्कल का है या उन लोगों का है जिसका आप भरोसा है, जिसकी आप उम्मीद बन चुके हैं। आज एक घटना मैं यहाँ से शेयर करना चाहूँगी, अभी ध्रुवा में एक घटना हुआ है जहाँ महिला के साथ मारपीट का प्रकरण है, वो काफ़ी अभी मतलब बहुत ज़्यादा जोश पकड़ लिया है, उसमें उस महिला के साथ किसी ने मारपीट किया, ठीक है, और उन्होंने बेबाकी के साथ उनका हाथ टूटने के बावजूद, उनके ऊपर काफ़ी चोटें आने के बावजूद, सिर्फ मीडिया ही नहीं पुलिस से लेकर के संगठन और समाज के सामने वो आई अपने फ़ोटो को लेकर, अपने वीडियो को लेकर, और उन्होंने कहा कि हाँ ये गलत हुआ है और इसे रोकने की ज़रूरत है, आप साथ हो तो भी, आप ना साथ हो तो भी। तो ये एक जो मानसिकता है ना, मुझे लगता है हर औरत में आनी चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है जी। इससे एक सवाल आता है कि ये जो प्रताड़ना हो रही है, जो पीछे आ जा रही है, कहीं ना कहीं इसका कारण ये नहीं होता कि ये होता है कि वो सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है, ये एम्प्लॉयड नहीं है, इसका भी एक मुख्य कारण था क्योंकि वो अपने पति पे या फैमिली पे डिपेंडेंट होती है, तो आपको क्या लगता है इस चीज़ पे भी काम करना चाहिए, जो सेल्फ डिपेंडेंसी होती है वुमेन की, चाहे वो बाहर काम करने हो या फिर घर से ही जो लोग काम करते हैं, छोटा बिजनेस ही शुरू करते हैं, उसमें लेकर के आपकी क्या विचारधारा? देखिए, घर का माहौल हो या बाहर का माहौल हो, सेल्फ डिपेंड हर एक महिला होती है, क्योंकि हम डिपेंड है तभी हम पूरे घर को जोड़ कर रख पाते हैं, हर किसी की ज़रूरत का ख्याल रख पाते हैं, वो डिपेंडेंसी ही है। जी, अगर मैं फाइनेंशियल और इकोनॉमिक की बात करूं, क्योंकि वो भी एक लैक कर जाता है अगर, तो उस पर क्या अभी काम हो रहा है? अब तो माहौल काफ़ी बदल चुका है, अब इन्वायरमेंट काफ़ी बदल चुका है, अब महिलाएं शोषित ही सिर्फ नहीं होती हैं, अपने लिए खड़ा होना सीख गई हैं। और बिल्कुल सही आपने कहा कि जो महिलाएं अभी भी उस शोषण का शिकार हो रही हैं, जो फाइनेंशियल कहीं ना कहीं लैक हो रहा है, उसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि फैमिली जो भी हैं, उनके पति हों, उनकी मदर इन लॉ हों, या फिर उनके घर का कोई भी पर्सन हो, इवन कि उनके बच्चे भी हों, प्लीज़ कोऑपरेट करें, प्लीज़ उस चीज़ को समझें कि सिर्फ और सिर्फ फिनांशियल ही आप उनका सपोर्ट नहीं बने, सिर्फ और सिर्फ फिनांशियल ही उनके बैकबोन नहीं बने, उनको मेंटली और फिनांशियली दोनों प्रोवाइड करें, और अगर नहीं कर सकते हैं तो उन्हें वो एक गैप दें जिस गैप में वो
अपने समय को, अपने आप को एक उभार पाएँ, अपने आप को निखार पाएँ और अपने आप को सामने रख पाएँ, क्योंकि हर एक महिला सक्षम है, सिर्फ पढ़ाई के मामले में नहीं। ऐसा नहीं कि एजुकेटेड है तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, हर किसी में कोई ना कोई हुनर होता है। आप प्लीज़ कोऑपरेट करें उस हुनर को निखारने में। तो मेरा तो एक ही रिक्वेस्ट रहेगा इस नेटवर्क के माध्यम से कि प्लीज़ महिलाओं के पीछे ना सही, महिलाओं के आगे ना सही, महिलाओं को साथ खड़ा होने का तो पहले एक मौका दीजिए। इससे भी एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है जो आपने फैमिलीज़ का आप कर रही हैं उनसे अनुरोध कि उनको सपोर्ट, तो क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हम महिला किसी को सपोर्ट कर रहे हैं कि वो किसी प्रताड़ना के खिलाफ खड़ी हो, हम उनके सपोर्ट में, तो कहीं ना कहीं जो फैमिली है उनकी, उनको भी एक काउंसलिंग और एक समझाने की ज़रूरत होती है कि क्या सही है क्या नहीं है, किस तरीके का बर्ताव होना चाहिए। तो इस पर भी क्या आपका जो संगठन है या आप उस पर काम कर रही हैं कि सिर्फ महिला ही नहीं उससे जुड़े लोग हैं उन्हें भी इस काउंसलिंग की ज़रूरत है, उस समझ की ज़रूरत है? जी, सबसे ज़्यादा मतलब सबसे अच्छा सवाल मुझे आपका यही लगा, काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। काउंसलिंग उन सब लोगों का जिनके साथ आप रहते हैं, काउंसलिंग उन समाज के जिस समाज में हम आज सांस ले रहे हैं, क्योंकि हर एक दिन हमें ऐसी घटना से रूबरू होना पड़ता है, ऐसे परिवार से रूबरू होना पड़ता है जो हमारा जो एक माइंड सेट है ना, यहाँ पर होकर के मैं जाती हूँ मिलने, लेकिन वो यहाँ आ जाता है और लगता है कैसे, अभी भी ये कैसे, मतलब वो मैं खुद में उलझ जाती हूँ इस बात को सोच करके कि नहीं अभी भी बहुत पीछे है महिलाओं को लेकर के, समाज अभी भी बहुत पीछे है। जितना हम सामने से दिखा रहे हैं ना उतना हम पीछे हैं, उसका भी मुझे सामना हर दिन करना पड़ता है। अगर हम किसी महिला के लिए किसी भी केस को लेकर के गए बात करने, सबसे पहले तो आपको बात नहीं करने दी जाएगी और वहाँ वही महिला खड़ी होंगी, ये मेरे लिए बहुत शर्मिंदगी की बात है। चाहे वो महिला उनकी सास हो, उनकी माँ हो, उनकी बहन हो, सबसे पहला सामना मुझे उस महिला का ही करना पड़ता है जी। और मैं जल्दी चाहूँगी कि प्लीज़ अगर इस नेटवर्क के माध्यम से, इतना बड़ा आपका चैनल है, नेटवर्क है, प्लीज़ ऐसा ना करें, महिला के लिए सबसे पहले महिलाएं खड़ी हों, ये अनुरोध है मेरा सबसे। मतलब एक महिला ही एक महिला के दुश्मन के तौर पर खड़ी हो जाती है वहाँ पर, हो जाती है और वो डिफाइन करती है उस, मतलब उस सोच को डिफाइन करती है, यहाँ मेल फीमेल की मैं बात नहीं रखती हूँ, उस सोच को डिफाइन करती है जो आपके सोच से परे है। अगर वो रेपिस्ट है, वो आप उनकी माँ हैं तो आप उन्हें डिफाइन कर रही हैं। अगर वो आपको मारता पीटता है आपके बच्चों के सामने फिर भी आप उसे आइडल मान रही हैं और वो महिलाएं ही मान रही हैं, वहाँ कोई पुरुष नहीं खड़ा होता है, ये मैं एकदम स्ट्रांगली यहाँ से बोल रही हूँ कि वहाँ कोई पुरुष नहीं खड़ा होता, वहाँ एक महिला खड़े होकर उसको डिफाइन कर रही है कि नहीं इसने सही कहा, ये औरत है ये बर्दाश्त करेगी, ये औरत है इसे झेलना है, ये कॉन्सेप्ट अभी भी है सबके माइंड में, सबके जहन में है और ये हम लोग के लिए बहुत शर्मिंदगी की बात है। कह सकते हैं कि महिलाएं उसे कैरी ऑन कर रही हैं और चाहती हैं कि आगे जो महिलाएं आ रही हैं वो भी उस सोच को, एक कह सकते हैं पैट्रियार्की, उसको फॉलो करें, क्योंकि यही विधि का विधान है। बिल्कुल बिल्कुल यही विधि का विधान है। लेकिन अब मैं ये नहीं कह रहा, मतलब एक पौराणिक भी कथा अगर ये लोग लें, जिस महिला की मैं बात कर रही हूँ कि वो आगे आके खड़ी हो जाती हैं, वो काफ़ी मतलब पढ़ी लिखी तो नहीं कह सकते लेकिन काफ़ी बुज़ुर्ग और काफ़ी धर्म के प्रति निष्ठा रखने वाली, हिंदुत्व को समझने वाली महिलाएं हैं, तो उनको मैं एक ही चीज़ कहना चाहती हूँ कि उदाहरण तो हमारा रामायण भी है, उदाहरण तो हमारा महाभारत भी है, सारे ग्रंथ जो आप पढ़ रही हैं और जिसका आप आईना दिखा रही हैं हम लोगों को कि देखिए औरत को ऐसी होनी चाहिए, तो उस वक्त भी औरत उतनी ही स्ट्रांग थी। द्रौपदी ने वही किया कि सारे जितने भी पुरुषार्थ को जानने वाले थे सबको धरातल पर वो ले आई और लास्ट में एक महाभारत का युद्ध हुआ जो सिर्फ और सिर्फ औरत की वजह से हुआ। रामायण भी हुआ जहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम राम को भी झुकना पड़ा उस स्त्री की वजह से जो सतीव्रता थी, उनको भी उनका साथ वहीं तक मिला जहाँ तक वो डिजर्व करते थे, तो फिर इन्हें प्रोटेक्ट करने की तो कोई वजह ही नहीं बनती है। अब अगर मैं थोड़ा आपके पर्सनल फेज में आऊँ, क्योंकि आप इतनी सारी एक्टिविटीज़ कर रही हैं, आप स्ट्रांगली इस टॉपिक को लेकर खड़ी हो रही हैं, तो आपकी रुचि इन चीज़ों में कि हाँ मुझे आगे बढ़कर इस चीज़ को सपोर्ट करना चाहिए, ऐसे किसी संगठन को ज्वाइन करना चाहिए जो इसमें आपकी मदद करे, वो कैसे हुआ, आपने कैसे करा इसे? इसका मैं पूरा श्रेय देना चाहती हूँ डॉक्टर सुमन कुमार जी। ये संगठन मंत्री हैं झारखंड के और हिंदू जागरण मंच से जुड़े हुए हैं, मुझे एक तरह से उन्होंने उभारा है, मेरे घर पे उनका आना, मेरे फैमिली से उनका बात करना, और एक वो मतलब फेज था जो मेरे अंदर था उसको उन्होंने बाहर ला करके एक संगठन का रूप दिया। और आज नेहा शर्मा अगर बाहर निकल पा रही है या बाहर लोगों से बात कर पा रही है या अपने आप में जो एक होता ना, हर किसी में एक लॉ होती है जो जलती है लेकिन वो निखरती नहीं है, लेकिन ये काम उन्होंने किया, वो मेरे बड़े भाई भी हैं, मेरे मार्गदर्शक भी हैं, मेरे गुरु भी हैं
और इस फील्ड में आने का पूरा श्रेय मैं उनको देना चाहती हूँ। मेरा सवाल ये इसलिए भी रहा क्योंकि हम इतनी बातें कर रहे हैं महिला सशक्तिकरण को लेकर के, तो कहीं ना कहीं अगर मैं शुरुआत आपसे ही करूँ कि आपसे लोग इंस्पायर हो कि आप इस फील्ड में क्यों आई, आपको भी ऑब्वियसली आप महिला हैं तो आपको भी बहुत सारी चीज़ें सोचनी समझनी पड़ी होगी, हो सकता है कुछ अगेंस्ट भी उसका हुआ हो कि नहीं करना चाहिए कुछ, तो एक पर्सनल एक्सपीरियंस से लोग ज़्यादा सीख पाते हैं कि अच्छा शायद मैं भी उस कंडीशन में हूँ, तो मैं भी अगर उस कंडीशन में, तो मैं भी उस कंडीशन में पहुँच सकती हूँ जहाँ आप हैं, उस चीज़ में आगे आ सकती हूँ। इसलिए मेरा थोड़ा पर्सनल रहेगा आपसे सवाल रहेगा कि क्या सोच से और अब आप इस स्टेज पर पहुँच चुकी हो कि आप संगठन के अध्यक्ष बन चुके हो, उस सफ़र में क्या क्या चीज़ें हुई हैं आपके पर्सनल एक्सपीरियंस? देखिए मैं एक चीज़ को यहाँ मिस नहीं कर सकती, एक नाम को मिस नहीं कर सकती जो बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, बोलना और उसको दिमाग में चलाना, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। हम जो सोचते हैं हर कोई उसको बोल नहीं पाता जी। है ना, आप भी इंटरव्यू इतना लेती हैं, आपको भी ये मतलब वो है कि वो दोनों मैच नहीं करते। एक परशुराम प्रसाद हैं जो एडवोकेट हैं, उनका एक बहुत बड़ा श्रेय रहा, मैं पहले बहुत साय नेचर की थी, मुझे अभी जो सूट देख रहे हैं या सुन रहे हैं उन लोगों के लिए मैं बताना चाहती हूँ, बहुत साय नेचर की थी, बिल्कुल झिझकना, बिल्कुल डर डर कर बात करना। उन्होंने मुझे इतना मोरल सपोर्ट दिया कि आप वो हो जो मैं सोच रहा हूँ और मैं जो सोच रहा हूँ वो आप कर जाओगे, एक वो भरोसा। तो परशुराम सर का ये भरोसा मेरे ऊपर इतना ज़्यादा था, इतना फेथ था, और मेरे हस्बैंड का, मेरी फैमिली का, वो अभी भी मेरी माँ अगर मुझे देखती हैं तो अभी भी लोग उनको फ़ोन करके बोलते हैं अरे आपकी बेटी का इंटरव्यू आज मैंने देखा, आपकी बेटी का स्टेटस देखा, आपकी बेटी को ये करते देखा। मेरी माँ अभी तक सरप्राइज है एक्चुअली, सच में उसने किया, तो ये रिएक्शन जो आता है ना माँ का, और मैं जहाँ हूँ बड़ा प्राउड फील होता है। मतलब एक नया व्यक्तित्व निकल कर आया है आप में जो शायद आपकी माँ ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कभी भी कि मैं ऐसे किसी के साथ बात करूँगी या मेरा एक ये सफ़र भी हो, क्योंकि मैं फुली हाउसवाइफ रही हूँ। ग्रेजुएशन की पढ़ाई भी मेरी यहीं से हुई, रांची में बीकॉम, उसके बाद मैं मेरी शादी हो गई, जस्ट रिजल्ट निकला और मेरी शादी हो गई, फिर मेरे दो बच्चे हैं अभी, और इतना कुछ करने के बाद, शादी के 10 साल के बाद फिर मुझे इस तरफ मुड़ना, चाहे वो सामाजिक संगठन हो, फिर भाजपा का संगठन हो, या फिर आप कह सकते हैं वीरांगना वाहिनी का संगठन हो, ये सब मेरे लिए एक एक्सपीरियंस था, एक लेसन था, और लेसन के साथ साथ मुझे ये पोस्ट मिलना मेरे लिए मतलब बहुत बड़ी बात है। और उनमें ये दोनों का नाम मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ, क्योंकि ये मेरे गुरु भी हैं, प्रेरणा प्रद भी, और अभी भी अगर मुझे कभी ज़रूरत पड़ती है तो मैं इनसे ही गाइडलाइन लेती हूँ। जी, वो जो आपने लॉ की बात करी वो शायद आपको नहीं दिखी थी बट सामने वाले को दिखी कि वो चीज़ है कि आप उसको बाहर ला सकते हो। तो अगर इस खास बातचीत को मैं यही ख़त्म करना चाहूँ, लेकिन इसके पहले एक जो आपने इतनी सारी अपनी एक्सपीरियंस शेयर की है, अगर हमारी जो व्यूअर्स हैं चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, उनको एक कॉमन एक एडवाइस या एक जो सोच जो आपको आपको लगता है कि ये सोच लोगों को अपने आप में लानी चाहिए इस बदलते जनरेशन या इस गैप जो हो रहा है हमारा, उसके लिए तो वो क्या रहेगा? मैं एक लाइन आपको बता देती हूँ, उसी में मतलब मेरा आपका ये आंसर भी है, कोमल है, कमज़ोर नहीं है, शक्ति का नाम ही नारी है, और वो हमेशा आप सशक्त हैं, हमेशा सुदृढ़ हैं और हमेशा दी बेस्ट हैं। बस सामने वाले को नज़र आना चाहिए, सामने वाले को दिखाना चाहिए, और जो आप हैं वो आपको सामने लाना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच मैम, आपने हमारे साथ ये एक्सपीरियंस शेयर किया और एक काफ़ी एनर्जी वाली वाइब्स आपसे मिल रही है, और आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स को भी ये वाइब्स ज़रूर आप तक पहुंची होगी। तो ये थी हमारी आज की खास बातचीत नेहा शर्मा जी के साथ, जिन्होंने हमारे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस हो या फिर जो दूसरों के साथ एक्सपीरियंस जो वहाँ पर वो खड़ी हो रही हैं, चाहे वो प्रताड़ना को लेकर के हो या अपने घर से बाहर निकल कर अपने आप को पहचान एक दिलाने की बात हो, उन सभी चीज़ों पर हमने ये बात की हमारे इस खास बातचीत में। उम्मीद करती हूँ आपको ये ज़रूर पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो इसे ज़रूर लाइक करें, और हम ऐसी और भी खास बातचीत लेकर आते रहेंगे आपके लिए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।